नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट की और तो क्या परिस्थिति रहेगी मार्केट की और क्या आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए 51,200 BSE का ऊपर का आंकड़ा है। जब भी मार्केट नीचे गिरनी लगती है FIIs की भारी बाइंग आ जाती है, साथ में DII की, हमारे भारत की लोकल जो इन्वेस्टर है वो भी भारी मात्रा में खरीद रहा है, क्योंकि कोरोना काल में सुपरमार्केट, शेयर मार्केट और हॉस्पिटल ही चल रहे थे। इसलिए जो लोग शेयर मार्केट से भाग चुके थे पिछले 10 सालों में वो वापिस आ गए। उसी के साथ में बैंक्स जो हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट काफी कम कर दिए। तो जो आदमी 965 रुपए में रिलायंस खरीद कर बैठा था, आपने देखा होगा कि 2300 रुपए में उसने बेचा होगा। तो डेफिनेटली मार्केट में बढ़त जारी रहेगी। बाजार अगले 3 महीने में 54,000 भी छू सकता है और नीचे अब भी फिलहाल अगले 15 दिन की बात करें तो 48,500 नीचे का आंकड़ा है और 52,000 ऊपर का आंकड़ा है। निफ्टी की बात करें तो 15,700 ऊपर का आंकड़ा, यानी 15,500 से एक बार निफ्टी फिर ऊपर जाती हुई दिखाई देती है और नीचे का जो है 14,820 का आंकड़ा है। सोच समझ कर आप इन्वेस्ट करें और अगर 10-15% आपको कहीं भी प्रॉफिट मिलता हो तो आप निकल जाइए और अच्छे समय की वेट करिए, तब वापस इन्वेस्ट करिए। इस वक्त आपके कमाने के दिन है, मगर पंडित राजकुमार शर्मा, राजमंत्र और जय महाराष्ट्र आपके लाभ और आपके हानि के जिम्मेदार नहीं है। जी बिल्कुल, आप सिर्फ भविष्यवाणियां ही नहीं करते पंडित जी, बल्कि हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन भी करते हैं और आज भी आपने बिल्कुल वैसे ही किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय आ गया है। आप देखते रहिए जय महाराष्ट्र न्यूज। Never miss a prediction videos. Channel subscribe करके bell icon press करें and stay updated for latest videos.